नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस में, जहां हम आपको किडनी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं और साथ ही आपको किडनी से जुड़े आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी भी देते हैं। अब्दुल सलाम जी, जिनका 7.5 तक क्रिएटिनिन चला गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया था, एज भी 57 ईयर्स की है और आज वो क्रिएटिनिन 2 तक आ चुका है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों, कई हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट आज हमसे जुड़ चुके हैं। पेशेंट और जुड़े हैं आज हमारे साथ, इनका नाम है अब्दुल सलाम। कौन लगते हैं आपके? जी मेरे फादर है अब्दुल सलाम जी। अब्दुल सलाम फादर, कहाँ के रहने वाले हैं? जी दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली कहाँ से? ये जामा मस्जिद के पास है। दिल्ली से जी। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपके फादर को? सर फादर को दिक्कत ये थी, पैरों में काफी सूजन थी और जी ब्लड प्रेशर काफी हाई रहता था उनका, तो थोड़ी सी खाने पीने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टरों ने कहा था उनको डायलिसिस के लिए। क्या बताया था? डायलिसिस। थोड़ा तेज बता, बोलेंगे। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए कहा था। डॉक्टर ने डायलिसिस के लिए कहा था। जी। अच्छा। क्रिएटिनिन उनका 7.5 आ चुका था। 7.5 आ चुका था। जी। ओके। फिर सर यूट्यूब पे मैंने आपके बारे में देखा। अच्छा। तो फिर मैंने यहाँ पे आने के आपका कोर्स जब चालू करा तो 3 महीने के अंदर काफी रिलीफ मिला। अच्छा। क्रिएटिनिन आधा हो गया। अच्छा। 3.7 हो चुका है। अच्छा। और अब 3 महीने बाद फिर रिपोर्ट अभी आई है तो 2 पॉइंट क्रिएटिनिन आ चुका है। टेस्ट 2 पॉइंट आया अभी क्रिएटिनिन जी। टेस्ट कहाँ से कराया है आपने? ये सर रोमा डिजिटल सेंटर से कराया है ये। पहले तो काफी बड़ा हुआ था क्रिएटिनिन, लगभग आपका 7.5 के आसपास था और अब 2 के आसपास। डायलिसिस वगैरह क्या बताया था डॉक्टर ने उस टाइम पे? डॉक्टर साहब ने कहा था कि आप इसकी नेक्स्ट डे डायलिसिस कराएं, काफी क्रिएटिनिन आपका बढ़ा हुआ है। उस समय डायलिसिस एडवाइस कर दिया था डॉक्टर ने, डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी आपको ऐसा बताया। अच्छा, ये कह दिया था डॉक्टर ने। डायलिसिस आपने कराया था उस टाइम, शुरू कराया? नहीं सर, मैंने डायलिसिस नहीं कराया, मैंने आपका यूट्यूब पे जब प्रोग्राम देखा तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ पे चांस लेना चाहिए, तो मैं यहाँ पे आया। फिर जब मैंने रिपोर्ट्स जैसे जैसे आती रही वैसे वैसे दिन को भी थोड़ी तसल्ली हुई और आज हमारे फादर हैं वो ठीक है, पूरे ठीक है, तो पूरी तसल्ली हो गई। 2 के आसपास आ गए, यूरिया बहुत वेरी नियर टू नॉर्मल हो चुका है जी। अब तो बहुत कुछ, बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले रोटी में जितनी दिक्कत आ रही थी, एक आध रोटी खाते थे हम, माशाल्लाह से ये रोटी भी अपने जैसे नॉर्मल इंसान खाता है वैसे खाते हैं। वैसे खा रहे हैं? गोश्त खा रहे हैं? नहीं गोश्त, रोटी खा रहे हैं प्रॉपर अपना जैसे है। जो डाइट चल रही है डाइट पूरी करना है, पूरी डाइट खा रहे हैं, डाइट अपने डाइट के हिसाब से ही करना है। और मेन चीज डाइट भी है इसके अंदर, मेडिसिन भी है डाइट है। और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं अब तो लगता भी नहीं होगा ना कि घर में फादर हैं तो बिल्कुल फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा लगता है कोई बीमार है? नहीं नहीं, अब कुछ बस एक थोड़ी सी कमजोरी है। कमजोरी तो रहेगी, धीरे धीरे जाएगी, बट क्रिएटिनिन जो है वो 7.5 से 2 आ गए, व्हिच इज फिनोमिनल। बहुत अच्छे चेंजेस आए। नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाई आपने ये रिपोर्ट्स? जी मैंने अभी वहाँ पे गया ही नहीं सर, नौबत ही नहीं है वहाँ पे जाने की, जरूरत भी नहीं है, नौबत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। और क्रिएटिनिन जो है वो नॉर्मल हो चुका है, 2 की रेंज में आ चुका है आपका, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। 7.5 से क्रिएटिनिन 2 तक कैसे आ सकता है और विद इन 3 मंथ्स के अंदर कैसे आ सकता है, उसका उदाहरण है अब्दुल सलाम जी, जिनका 7.5 तक क्रिएटिनिन चला गया था, डायलिसिस एडवाइस कर दिया था, एज भी 57 ईयर्स की है और आज वो क्रिएटिनिन 2 तक आ चुका है। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों, कई हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट आज हमसे जुड़ चुके हैं जिनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था, यूरिया बढ़ा हुआ था, डायलिसिस करा रहे थे, डायलिसिस बोल दिया था, लेकिन आज उनको इन सब चीजों से कोसों मीलो दूर आ चुके हैं। बगैर इसके वो बहुत बढ़िया है, उनके लाइफस्टाइल है बहुत बढ़िया है, बगैर डायलिसिस के, बगैर ट्रांसप्लांट के क्रिएटिनिन कम हुआ है, ये सब हो रहा है और ये होता चला आ रहा है। कर्मा आयुर्वेदा लगातार ये सिद्ध करता चला जा रहा है कि किडनी का इलाज संभव है। और आज एक और पेशेंट चांदनी चौक इलाके से आए हुए हैं यहाँ पे दिल्ली से, जिनके फादर का क्रिएटिनिन 7.5 था, अब्दुल सलाम नाम है और आज वो 2 तक आ चुका है। बहुत अच्छे नजर आए। क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने फादर के बिहाफ पे, क्योंकि अब तो बहुत बढ़िया उनको रिजल्ट आए हैं, सारे भारत में और सारे पूरे विश्व में इसके बहुत गंभीर बीमारी और बहुत सारे मरीज हैं जिनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट कराना पड़ रहा है। सर मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप लोग जैसे डॉक्टर्स आपको डायलिसिस वगैरह बताते हैं तो आप एक बार यूट्यूब पे सर की साइड है उस पर नंबर वगैरह सब कुछ दे रखे हैं, एक बार कॉन्टेक्ट करें, अपॉइंटमेंट लेकर सर से आगे मिलें और इलाज कराएं और रिजल्ट अपनी आंखों से खुद देखें।
खुद स्वयं आप देख चुके हो ना रिजल्ट, आप अपने आप जज कर चुके हो, आपको पता है किस प्रकार के रिजल्ट है, आप अनुभव हो चुका है आपको इस चीज का, बहुत अच्छे चीजें नजर आए। क्रेटिनिन 2 हो चुका है, पहले वाली रिपोर्ट का 7.5 वाली है, 7.5 वाली रिपोर्ट सर घर पे है। 2 क्रेटिनिन इस रिपोर्ट में 54 इसके अंदर यूरिया है, और किस प्रकार से ये चेंजेस आए, किस प्रकार से कंट्रोल हुआ आपके सामने, लग के इन्होंने फॉलो करी और सब चीजें जो है वो बहुत बढ़िया कंट्रोल हो चुकी है। स्टॉप किडनी डायलिसिस,